अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं और सैफ चैलेंज कर रहे हैं, तो ये आंखें बंद करके जो है ना, मैं पट्टी नहीं बांधूंगी, जो पहले खाएगा तो वो जो है वो जीत जाएगा, और जो हार जाएगा ना, और तो वो जो है, जैसे अगर सैफ हारेगा तो सैफ को आटा गूंध के रोटी बनानी पड़ेगी, एक पेड़े का आटा गूंधेगा और ये रोटी बनाएगा, और अगर मैं हारूंगी तो सैफ ये हारेंगी तो इनको सोया सॉस पीनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे उनके फ्लेवर पसंद नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं जीत जाऊँ ये हार से, ताकि ये रोटी बनाए। चले आपके सामने करते हैं, पता चलता है कौन हारता है कौन जीतता है, तो चले देखते हैं। ये जल्दी से कौन खाता है, तुम क्या यहाँ दावत में आए हुए हो, इतने आराम से खा रहे हो, चैलेंज में तेज खाना होता है, है तुम तो हार गए। ये खा कम रहा है, मम्मा को ज्यादा देख रहा है। क्योंकि मैं थोड़ा सोच नहीं पी सकती, वो लोग खा भी गए हो इतनी जल्दी, तो ऐसे ही खाना था कि तुम बैठ के देख रहे हो। मैं एंजॉय करके खा रहा हूँ, चैलेंज में एंजॉय थोड़ी करना होता। मैं विनर हो गई हूँ, अब ये जो है ये हार गया, ये एक पेड़ा गूंदेगा और रोटी पका के दिखाएगा। कोई बात नहीं, बना देंगे, मुश्किल नहीं है रोटी बनाना। हाँ, अभी पता चलेगा आपको, चूल्हे के आगे जो आप खड़े होंगे। चले आए, अभी ये अपना चैलेंज पूरा करेगा। तो यहाँ पे सैफ जो है वो हार गया, अब सैफ जो है वो आटा गूंदेगा और रोटी बनाएगा, एक पेड़े का आटा गूंदकर। आज हमारे मजे सैफ से रोटी पकवाएंगे। पानी डालो ताकि तुम अपने हिसाब से पेड़ा बनाओ। बस सही गूंदना। हाँ, आज तुम्हारा हार गए तो हारने की ये पनिश तुम्हें मिलेगी। कोई बात नहीं, हार गए नेक्स्ट टाइम जीतूंगा। हमेशा हारता है, मुझसे भी हारता ही है, कभी तो जीतो। जीतूंगा काफी। हाँ, जल्दी पेड़ा बनाओ बेटा, ये तुम ऐसे ही खा लो। मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली देख रही, चैलेंज ऐसे होते हैं, डस्ट करो आटे को वहाँ पे, इसके ऊपर। चलो आप पेड़ा बनाओ, जल्दी से पेड़ा बनाओ, दोनों हाथ से पेड़ा बना के और फिर बेलो जल्दी से। ऐसे आज देखते हैं कि सैफ कैसी रोटी बनाता है। चलो आप इसको बेलो जल्दी से, रोटी बनाओ और वहां तवे का गैस तेज करो। सही है, काफी। हाँ सही है, सही है, डस्ट करो। क्यों आ रही है? आप पता चला कितनी मेहनत से रोटी पकती है। चलो आप इसको बेलो जल्दी से, गैस तेज कर दो तवे का, ताकि तुम रोटी सही बनाओ। आदमियों को भी तो पता चले कि रोटी कितनी मेहनत से बनती है। चलो आप थोड़ा सा डस्ट और गिराओ, आटे को थोड़ा और डालो। चलो आप रोटी बेलो जल्दी से, इतना जाया कर रहा है आटा, जल्दी करो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, देखते हैं आज से फर्स्ट टाइम रोटी बना रहे हैं, और देखे ऐसे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, अब इसको बेलो इससे, इससे हाँ बेलन से बेलो ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कर रहे हैं भाई, चैलेंज है, ये कबूल करना पड़ेगा। जीतना था ना, फिर नहीं करना पड़ता है तुम्हें। बिल्कुल, अब इसको हाथ से करो जैसे हम करती हैं, हाथ में लेकर जैसे उड़ा मत देना। हाँ करो ऐसे ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल करो इसको, और पतला थोड़ा हाथ से करो। इतनी संडी रोटी कौन खाएगा, गेंडी मोटी। भाई ये अब सैफ थोड़ा सा इसको पतला करना चाहता है, तो बेलन से और कर सकता है। बेलन से होगा और थोड़ा सा और करो, और थोड़ा सा हाथ से, बस बस बस। गोल रोटी बनाना, नक्शा मत बनाना, मैं दिखाऊं आपको। पाकिस्तान का नक्शा बनाती है। थोड़ा सा हाथ से बेलो, नक्शा है भाई, ऐसे ऐसे करो। चलो बस बस बस, टूट ही जाए तवे पे डालो, डाल दो। अब गैस तेज करो, तुमने पकानी है पूरी, गैस तेज करो। पूरी कहाँ से पकेगी, मुझे कहाँ आती है भाई, चैलेंज है ये, पकानी तो किसी को भी नहीं आती, चैलेंज करना है ये। चलो कोई बात नहीं, बना देते रोटी, खाएगी आप फिर। बेटा ये चैलेंज है ना, चैलेंज में तो करना पड़ता है, तुम हारे हो तो तुम्हें करना पड़ेगा, अगर मैं हारती तो मैं करती। तो अब हमारा जो कैमरा मैन है ना, वो जरा रोटी दिखाए।
कहाँ गया वो? तो ये देखें, अभी नहीं अभी देखो, ये थोड़ी वो होती है गैस, थोड़ी फ्लेम तेज करो। चिमटा गाय कैसा लग रहा है आज आपको औरतों वाले काम करके? कैसी फील लग रहा है? पता चला कितनी मेहनत करती हैं औरतें। एक रोटी बनानी है बस, और क्या करना है। मैं रुमाल देती हूँ इसको। आप हमारा कैमरा मैन वैसे चैलेंज गलत है, मैं 10 रोटियां तो देती ना। वो रोटी को पलटाएगा, तंदूर नहीं खोल दूं मैं तेरी। रोटी को पलटाओ, पलटाओ ऐसे। आईडिया अच्छा है। हाथ से नहीं भाई, जी गरम होगी। नहीं नहीं हाथ से पलटाओ भाई, आती है पलटाओ। चैलेंज में ऐसे ही होता है, ऐसे। आई हाय कौन खाएगा? देखे ये चैलेंज है, चैलेंज अगर मैं हारती तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अब ये हारा है तो ये कर रहा है, नेक्स्ट टाइम हरा देना फिर कर। फिर जो है वो तुम जल्द से रोटी से को रुमाल से ऊपर से रुमाल को गोल करो। हाँ बिल्कुल इस तरह, इसको सेको से बिल्कुल लाल होनी चाहिए। ये देखो इस तरह बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं व्यूअर्स के, ये सैफ जो है वो उसने रोटी बनाई है आज फर्स्ट टाइम। और आपको पता चैलेंजेस में ऐसे ही होता है, जो हारता है उसको करना पड़ता है। देखने पक गई ये, तुम पलटाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। पलटा के देखो, अभी कच्ची है। मैं तुम्हें कच्ची रोटी नहीं खिलाती हूँ। कच्ची तो मुझे कहाँ से आती है पकानी? कैमरे में बेटा थोड़ा सा देखो ना, कैमरे में जाहिर। लड़के भी बनाते हैं खाना, ऐसा ऐसी बात नहीं। शेफ होते हैं बड़े बड़े आदमी भी, वो सीखते हैं पहले, उसके बाद। बेटा जिनको शौक होता है ना उनको सीखने की जरूरत है। आपने बताना है कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा, और अगर शेफ के साथ अच्छा लगा तो हम और बनाएंगे इसके साथ। बिल्कुल, अभी सालन भी पकवाएंगे इससे। सालन सब्जी, इसको इसको तुम्हें सेकना पड़ेगा। हमारा कैमरा मैन जरा दिखाए कि ये रोटी किस तरह सेक रहा है। बिल्कुल किनारे रोटी कैसी लग रही है आप लोग बताएं। नक्शा रोटी नहीं बोलो इसको, नक्शा बोलो। नक्शा कैसा लग रहा है? मैं बनाता हूं। अब्दुल्ला से करवाती ना अम्मा। तुम ही बना लेते आगे। अब्दुल्ला की बारी कब आएगी अम्मा? ये तुम्हें पता होना चाहिए। वो खाने के पहले क्या तो कच्ची है अभी। तुम देखो तो क्या अच्छी तरह पक गई है। कच्ची है। मुझे तो बहुत मजा आया इसके साथ चैलेंज करके, और मैं चाहती हूँ कि हम इस तरह के चैलेंज आपके साथ करें। आपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि ये पक गई है या कच्ची है। ऐसे होता है, ऐसे होता है। चलो बस बता, चलो दिखाएं ना प्लेट में। हम अपने व्यूवर्स को दिखाएं कि सैफ ने चैलेंज जो हारा था, ये देखें भाई इनाम आपका। ये सैफ दिखाएगा, ये ले, ये तोहफा मैं दे रहा हूँ इनको। तो ये तुमने अपनी शक्ल का नक्शा तो बनाया। आपने ये जरूर बताना कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा, और कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंशाल्लाह आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।